नहीं दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्पेशल क्लास जो कि जुड़ी हुई है आपके साथ और आपके आगामी आने वाले एग्जामों के साथ। तो फटाफट वीडियो के साथ शेयर कर लीजिएगा, वीडियो के साथ बन जाइएगा और हम बेस्ट रिजल्ट देंगे आज जो कि हमारे जुड़े हुए हैं। नए टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे पहले मैं वो बता देता हूं आपको। टॉपिक्स रहेंगे हिमाचल ज्ञान, हिंदी, भारत का सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कॉम्पिटिटिव के लिहाज से। तो इसलिए मैं करंट अफेयर भी डेली लेकर आता हूं प्यारे बच्चों, क्योंकि आपकी डेली शाम 8 बजे जो क्लास होती है इसमें कुछ नया आपको देखने को मिल जाए जिससे आपकी बेस्ट वाली तैयारी हो जाए। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों में कि वो भी जरा इस क्लास में अपना दमखम दिखाएं कि उनकी कितनी तैयारी जो है वो हुई है और कितने वो प्रिपेयर्ड हुए हैं, क्योंकि एग्जाम्स जो हैं वो निकलने वाले हैं और उनकी तारीखों की घोषणा जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते में होने वाली है। तो जनवरी के पहले हफ्ते में नए साल की शुरुआत में ही होते ही ये आपको पता लग जाएगा कि हमारे जो पेपर हैं वो निकलने वाले हैं। तो फटाफट जो है वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि रिजल्ट सिर्फ उसी का ही आता है जो एक्सपीरियंस्ड होता है। रिजल्ट उसी का ही आएगा बच्चों जो एक्सपीरियंस्ड होगा। नए नए जो ड्राइवर होते हैं उनका कुछ नहीं होता, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आज के जो क्वेश्चंस हैं टॉप क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो टॉप क्वेश्चंस के लिए जुड़ जाइएगा वीडियो के साथ में, अंत तक बने रहिएगा। तो फटाफट जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी शेयर करिएगा सभी के सभी। अब तक एक म्यूजिक शुरू कर रहे हैं हम क्लास को। आवाज कैसी आ रही है, आवाज प्रॉपर है कि नहीं है? पहले ही मैं थोड़ा सा म्यूजिक की वजह से हो गया, मुझे आइडिया नहीं लगा था कि म्यूजिक चल रहा है। मैं इसीलिए कहता हूं सर आप बोलो, मैं बोल रहा हूं कि मेरे को आइडिया नहीं था। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी प्यारे बच्चों मुझे बोल दिया करो, बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापे की वजह से मैं थोड़ा सा आपको जवाब नहीं दे पाया था, समझ सकते हैं और इस बात को इग्नोर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों कि सर ने भूल गए थे, क्या कहूं इससे अलावा। ठीक है, सभी वीडियो के साथ बने रहिएगा, मजेदार क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अब ठीक है सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। कोशिश थी मेरी, मैंने तो यही लेके चल रहा था, जोर जोर से बोल रहा भी था पर मेरे को ये नहीं था पता कि हुआ क्या था। राम राम नवीन भंडारी, मैंने आपका नाम भी लिया था पर म्यूजिक में नहीं सुनाई दिया होगा। हिमाचलीन कांगड़ा, मैंने आपका भी नाम लिया है। काजल शर्मा का नाम लिया है। सिया शर्मा हमारे साथ कल से जुड़े हैं, बहुत अच्छे से डेली क्लासेस हमारे साथ लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया है बेटा। 1009 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी ने नगर कोट पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के बारे में देख लेते हैं, इन्होंने टोटल भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं और 1009 में किया था आनंदपाल को हराने के बाद जो है नगर कोट पर आक्रमण किया और उसके खजाने को लूटा और नगर कोट किले पर तुर्कों का कब्जा हो गया था।
1043 में तक रहा है। उसके बाद तोमर राजा महीपाल ने नगरकोट से गजनवी शासन को समाप्ति भी किया। याद रखिएगा, गजनवी शासन की स्थापना की थी इसने, तो उसको समाप्त किसने किया है, तो तोमर राजा थे महीपाल, ठीक है। और 1023 में नगरकोट को छोड़कर ये कांगड़ा के अधिकतर हिस्सों पर अधिकार नहीं कर पाया था। ये इसका डिटेल रहेगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी से आंसर करें। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा है यहां पर, है ना जी। तो ये किस सिख गुरु की द्वारा जो है, किस सिख गुरु द्वारा की गई है स्थापना, कौन से सिख गुरु ने जो है आनंदपुर साहिब की स्थापना की है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा, आंसर दीजिएगा, बहुत बढ़िया से आंसर दे रहे हैं। सबसे पहले आंसर आ रहा है हिमाचली कांगड़ा, यार हिमाचली कांगड़ा क्यों नाम रखा है आपने, आंसर देते रहिएगा। सिया शर्मा, काजल शर्मा, अभिषेक हिमाचली 420 नंबर, और काजल ठाकुर, और सौरभ शर्मा, अनु ठाकुर, संजय कुमार, नमस्ते सर, नमस्ते मेरे भैया। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, तो इसका आंसर है गुरु तेग बहादुर, करेक्ट आंसर रहेगा गुरु तेग बहादुर, गोविंद सिंह के साथ जा रहे थे पर करेक्ट आंसर है गुरु तेग बहादुर। ओके ओके सर, इंटरस्टेट क्लास चल रही है, अब ये मेरे को आपकी पूरी बात नहीं समझ आई, इंटरस्टेट क्लास चल रही है इसका क्या मतलब है, काट दिया, चलो देखते हैं। गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के नौवें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिखों के कौन से गुरु हैं, नौवें, और कहलूर यानी कि बिलासपुर की रानी ने 3 गांव भेंट में दिए थे, जिसे इन्होंने खोबाल गांव को बसाया, जिसके बाद आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा, और वहां पर इनका निवास स्थान था, यानी कि आनंदपुर साहिब जो है उसका पुराना नाम क्या था, तो मखोबाल, क्या नाम था, मखोबाल था, वहां पर ये बसे थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसकी डिटेल को नोट करिएगा, हर टॉपिक वाइज पीडीएफ पाने के लिए जो है बच्चों आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप पर आपको ये रोजाना मिलेंगे। अनिकेतन कपूर, गुड इवनिंग। अगला सवाल है अनिकेतन, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा और प्रथम सरकार की स्थापना कब हुई थी, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा और प्रथम सरकार की स्थापना कब हुई, जल्दी से अपना कमेंट करिएगा आंसर, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन सर बोला, सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, और मैं बोलूंगा सबसे पहले सटीक आंसर हिमाचली अभिषेक 420 ने आंसर दे दिया है, वो है बी ऑप्शन 24 मार्च 1952। अनिकेतन कपूर आपने भी बहुत अच्छा दिया है, अनूप शर्मा ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है, रजनीश राणा ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। मैं सबको कहूंगा लास्ट तक, अंत तक बने रहिएगा इस चैनल पर, सिया शर्मा का भी आंसर आ चुका है, सभी का आंसर आ चुका है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है भैया, 1951 में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी में डाला, कहां पे डाला था, ग श्रेणी में। 1 मार्च 1952 को क्या हुआ है, मुख्य आयुक्त यानी कि स्थान पर जो है उसकी जगह पर उपराज्यपाल को बिठाया गया। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ है, क्षेत्रीय परिषद की जो है वो स्थापना की गई, और इसके जो अध्यक्ष थे वो ठाकुर करम सिंह को चुना गया है, ठाकुर करम सिंह को चुना गया है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ये पूरी डिटेल्स वन बाय वन पेपरों में यहां से भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, और तब आप बोलेंगे कि सर ने पढ़ाया था और यहां से ही आया है। अगला सवाल सभी देखिएगा, कांगड़ा में अंगोरा खरगोश फार्म कहां पर है, बताएं अंगोरा खरगोश फार्म कहां पर है, अंगोरा खरगोश फार्म कहां पर स्थित है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कांगड़ा में है अंगोरा फार्म, कोई डी बता रहा है, कोई बी बता रहा है, अनिकेतन कंडबाड़ी बोल रहे हैं, सी ऑप्शन बता रहे हैं, सिया शर्मा सी ऑप्शन बता रहे हैं, और मैं आपको आंसर बताऊं तो बहुत आराम से बताऊंगा, साथ साथ में कैसे बता देना। नेचुरल वाइब्स भी बोल रहे हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना नाम जो है वो एडिट करके मेरे को अच्छा सा नाम जो है दें अपना, तो मेरे को बोलने में थोड़ा ईजी हो जाता है, और तो क्या है। तो बिल्कुल सही आंसर है कंडवाड़ी, कंडवाड़ी भैया यहाँ पे पालमपुर के साथ में ही है, वहां पर अंगोरा खरगोश फार्म है, तो खरगोश लेने हो तो वहां पे जाएं। ये है फार्म से हिमाचल में के हमीरपुर के भोरंज में है पशु आहार संयंत्र स्थित है, याद रखिएगा। मंडी के नगवाई में अंगोरा खरगोश फार्म है, यहाँ पर भी याद रखिएगा। शिमला में रोड होगा ट्राउट फिश के लिए बोल रहे हैं, ट्राउट प्रजनन सुविधा है यहाँ पे। बिलासपुर में मत्स्य विभाग का निर्देशालय है यानी कि ऑफिस है। नाहन और सुंदरनगर में सरकारी मुर्गी पालन केंद्र है, पिजेरा मुर्गी फार्म जो कि सोलन में स्थित है, ठीक है। पिजेरा कहां पर है, ये सोलन में है, प्रदेश का सबसे बड़ा मुर्गी पालन है, तो प्रदेश का सबसे बड़ा मुर्गी पालन कहां पर है, सोलन में स्थित है प्यारे बच्चों, कहां पर है, सोलन में स्थित है सबसे बड़ा हिमाचल का जो मुर्गी पालन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जिप्सम के भंडार हैं, अनिकेतन मेरे को देखना पड़ेगा आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, तो नंबर आपके सामने है ऑफिस के नंबर पे, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को क्लियर कर दीजिएगा आराम से, चैटिंग में मैं पूरी डिटेल नहीं दे पाऊंगा मेरे भाई, पर आपको जरूर जवाब दूंगा इसका कंफर्म करके, तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। मधु आए हैं हमारी क्लास में, मधु की नाम है इनका, ए ऑप्शन दे रहे हैं, सिरमौर के साथ जा रहे हैं, सोलन आंसर दे रहे हैं, और मैं बताऊं कि आपने मधु जी आते ही बिल्कुल सही आंसर दिया है, ए ऑप्शन सिरमौर, क्वेश्चन था जिप्सम कहां पर मिलता है, तो जिप्सम मिलता है सिरमौर में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा उमदा नॉलेज है आपका भी। देखिए कांगड़ा जिले के खनियारा में स्लेट है, कहां पे, खनियारा में स्लेट मिलती है। कुल्लू की पार्वती नदी में यूरेनियम पाया जाता है, याद रखिएगा। किन्नौर के चारागाह में चांदी उपलब्ध है, याद रखिएगा। मंडी के
गुम्मा आएगा, गुम्मा लिखा है, गुम्मा और तरंग में नमक की खाने हैं। कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में अभ्रक की धातु पाई जाती है। बिलासपुर में चूना पत्थर पाया जाता है। नोट कर लेना प्यारे बच्चों। अब बताओ सबसे अलग चैनल है कि नहीं है आपका? यही चैनल है जो आपको पूरी डिटेल के साथ सारा नॉलेज दे रहा है। तो बच्चों एक एक बार वीडियोस को देखिएगा और नोट करिएगा, आपके बहुत ही काम आने वाली ये वीडियो बनेगी और बहुत ही अच्छे से जो है आप तैयारी कर पाएंगे बच्चों। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, थाना प्लोन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? थाना प्लोन जल विद्युत परियोजना, बताएं अपना आंसर, की नौ, लाहौल स्पीति, मंडी या कांगड़ा। सभी आंसर साथ साथ में करते रहिएगा, लाहौल स्पीति के साथ जा रहे हैं, सभी आंसर करते रहिएगा। मैं अनिकेतन बोलूंगा कि आप मुझे जो है अपना आंसर जो है वो हमारे नंबर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे जुड़ रहे हैं मैं सभी को बोलूंगा कि वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आपके लाइक से जो है बच्चों को लाइक मिलता है, यानी कि समझ गए होंगे इशारा ही बहुत है कि लाइक का क्या अर्थ होगा, यानी कि बच्चों को इससे प्रोत्साहन मिलता है आपसे, और ये वीडियो जो है हमें देखनी चाहिए क्योंकि बहुत से बच्चों ने जो है इसके ऊपर कमेंट्स किए होते हैं, तो लोग इसको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते होते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर भी करिए, और जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो मैं आपको अपने साथ जो है जुड़ने के लिए आपको एक पिन कर रहा हूँ। ये हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इस ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और यहाँ से भी डेली स्टडी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा मंडी। जिन जिन का बच्चों का मंडी ऑप्शन है, काजल शर्मा का आंसर आया है सी ऑप्शन, मंडी के साथ कहते हैं। बहुत बढ़िया आंसर है आपका बेटा, बहुत ही बढ़िया आंसर है। तो खोली जल विद्युत परियोजना कहां पर है ये, क्योंकि मैंने आपसे जो है जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछा था, तो ये भी जल विद्युत परियोजना होली चंबा में है, पहले तो याद रखिएगा बच्चों। कहां पे है? होली चंबा में है ये जगह, ठीक है। यहां पर जल विद्युत परियोजना रावी नदी, क्योंकि चंबा में इकलौती नदी है रावी, और खड्डे खुड्डे हैं वो तो बहुत सी होती है, तो चंबा भरमौर में है। घुमराड़ी सुड्डा परियोजना, ठीक है, ये रोडू के पास है, यानी कि शिमला में, तो पब्बर नदी बहती है यहाँ पर शिमला, ये खड्ड टाइप की है पब्बर नदी, बहुत बड़ी नदी, मत सोच लेना। अहब जल परियोजना कहाँ पर है? सतलुज नदी पर है, किन्नौर में है, बहुत बड़ी नदी नहीं है, हमारी पांच ही नदियां हैं हिमाचल की। कच्छम बांगटू जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? किन्नौर में है, और ये निजी जल विद्युत परियोजना है जो कि सबसे बड़ी निजी जल विद्युत परियोजना है। प्यारों बच्चों बहुत ही बढ़िया, संजय कुमार जी आपके पड़ोस से उठाकर लाया था होली से, होली जल विद्युत परियोजना, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। अगले सवाल का जवाब दे सभी, हिमाचल प्रदेश के कौन से राज्यपाल वाइस एडमिरल पद पर संबद्ध रहे हैं, यानी कि वहां पर भी रहे हैं, मतलब उन्होंने वो वाला पद भी संभाला है। बहुत बढ़िया संजय कुमार जी, आप हमारे साथ डेली आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से आंसर देते हैं, और डेमिनेटेड बॉय PWN का भी स्वागत है हमारी इस क्लास में। थोड़ा सा नाम लेने में हो सकता है ऊपर नीचे मैं कर दूं, क्योंकि बुढ़ापे का असर है, चश्मा लगाया नहीं है अभी तक, तो इतना ही कहूंगा कि सभी बच्चों से कि डेली हमारी क्लास अटेंड करिए, मैं आपके लिए जो है वो और भी बेहतर टू बेहतर, आप जैसा कहें वैसा आपके लिए जो है सुविधा देना चाहूँगा, यानी कि और भी बेहतर क्लासेस बनाना चाहता हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट, आप बस पढ़ने की इच्छा करें और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हमारे साथ जुड़े, तो जुड़ते ही मैं आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है सुविधाएं देने की कोशिश करता रहूँगा। सभी साथ में वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो मधु जी डी ऑप्शन दे रहे हैं, मगर कौन सा आंसर होगा? तो जिनका ऑप्शन अभी तक किसी का भी ऑप्शन सही नहीं है, याद रखिएगा अभी भी अपना आंसर दे सकते हैं, बट समय तो क्लोज हो गया है, तो इसलिए आंसर मेरा नंबर है RK गांधी। RK गांधी जो है वो वाइस एडमिरल पद पर भी रहे हैं, हिमाचल के राज्यपाल वाइस RK गांधी, अनिकेत कपूर। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए मुख्यमंत्री प्रथम कौन थे जी? YS परमार। दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? ठाकुर रामलाल। पहले उपराज्यपाल कौन थे? मेजर हिम्मत सिंह। पहले राज्यपाल कौन से थे? ये उपराज्यपाल थे, ये राज्यपाल हैं, S चक्रवर्ती। मुख्यमंत्री कौन थे? शांता कुमार के कार्यकाल में जो है अंतोदया कार्यक्रम, याद रख लेना अंतोदया कार्यक्रम शांता जी की देन है, जो कि हमारे पालमपुर गढ़ बस्ती के रहने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अनिकेत नवीन भंडारी बोले सर मैंने दिया था, बिल्कुल सही भैया आपने दिया होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, मैंने देख लिया आपका आंसर पहले बिल्कुल सही था। चलो मुबारक हो मेरे भाई, मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। चलो इसका आंसर दो, लोक नृत्य पूछा है ये, और करियाल लोक नृत्य किस जिले का है बताएं। मोटिवेशन क्विट्स बोल रहे हैं से सर फेस रिवल कब होगा, ये क्या मतलब हुआ मुझे समझ नहीं आया, इसमें क्वेश्चन में तो ऐसे फेस पूछ के तो बात ही नहीं की थी यार। पहाड़ी में बात कर सकते हैं, उसका कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। मोटिवेशन क्विट थोड़ा सा जवाब दें, और नहीं हो तो मेरे को सेम नंबर है मेरा ये, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मुझे अपनी जो भी ये पता नहीं फेस क्या मतलब, मैं फेस से नहीं समझाऊँ, फेस क्या चाहिए मेरा, फेस में क्या है। अंकुश अत्री जी दे रहे हैं सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, राहुल धीमान दे रहे हैं शिमला, मधु शिमला, सबको शिमला ही पसंद आ गया भाई, क्या बात होगी। चलो भाई प्रियंका ठाकुर भी शिमला के साथ गए हैं, बहुत बढ़िया, तो मैं भी शिमला चल पड़ा हूँ भैया, सबके साथ जाएंगे, आजकल ठंड है और नया साल है, बहुत ही बढ़िया क्लास है और बहुत ही बढ़िया बात है बच्चों, तो
सभी को बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों, चेतन कौशल डी ऑप्शन के साथ जा रहे थे भैया, आंसर ही नकल मार लेते, थोड़ा नेट में खास आगे पीछे हो गया होगा आपका, ठीक है। शिमला इसका आंसर है, लोक नृत्य शिमला। अब सभी नोट करो बच्चों, यही मेन जीके है जो आपको ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब पर नहीं मिलता है, देना नहीं चाहता कोई भी, क्योंकि दे देंगे तो फिर पूछेंगे क्या। मोहना गीत जो है, मोहना गीत था बिलासपुर का, ठीक है, लोक गीत है ये गीत। अपने भाई के लिए खून का जुर्म अपने सर लेने पर फांसी चढ़ने का वर्णन करता है मोहना गीत। मोहना गीत कहां का है? बिलासपुर का है, बंदे ने अपने सिर पर ले लिया था। कभी हो तो मेरे पास जरूर बताइएगा, ठीक है। तो उसने अपने ऊपर ले लिया था, उसके लिए मोहना गीत गाया जाता है आज भी बिलासपुर में, याद रखिएगा। सुकरात गीत जो कि चंबा की रानी जिन्होंने पानी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, तो उनके चित्रण के लिए गाया जाता है चंबा में सुकरात गीत। बच्चों कौन सा सुकरात गीत कहां का है? चंबा का है, नोट कर लेना सुकरात गीत। क्यों जुड़ा है तो ये आपको याद करना चाहिए। ये देखो संजय कुमार जी ने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, हमारे पास हिमाचल के कहीं कहीं से अलग अलग जगहों से जुड़े हुए बच्चे आते हैं। सूही मेला, जैसे इन्होंने बोला है सूही मेला सुकरात गीत से ही जुड़ा है, क्योंकि ये चंबा से रहने वाले हैं। मुझे अपना जरूर बताइएगा आप कहां के रहने वाले हैं, जरूर बताइएगा, फिर मैं आऊंगा आपके वहां पर, तो फिर जरूर कॉल भी करूंगा। सूही मेला, और वो फेस वाले भैया पता नहीं कहाँ चले गए हैं। सर आप ऑफलाइन, अच्छा ऑफलाइन तैयारी कराते हैं भैया, ऑफलाइन भी कराते हैं, आप टेंशन ना लें। सूही मेला, मुनीश शर्मा बोल रहे हैं मैं पालमपुर से हूँ। अच्छा जी आप पालमपुर से हैं, संजय जी बोल रहे हैं कि चंबा आइएगा जी, चंबा भी आएंगे भैया, जिंदगी रही तो पक्का आएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आया है? सबका आ रहा है। हमारे एक और आए हैं, मुंडा है कोई, बेजोर जागार मुंडा, मुंडा तो पढ़ा गया पर बेरोजगार, अच्छा बेरोजगार भैया क्या कहूँ आपको, मैं तो हर किसी को रोजगार के लिए दौड़ा हूँ, आप क्यों बेरोजगार होंगे मेरे भाई, कभी नहीं होंगे, आप रोजगार प्राप्त करेंगे, ये मेरा संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ मैं रोजाना आपके साथ रात 8 से 10 बजे तक जो है क्लास लेता हूँ, 8 से 10। अनु ठाकुर बी ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुजी आपका भी आंसर सही है बेटा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब मैं आपको इसकी डिटेल देता हूँ, देखो सिरगुंडी, सिर के लिए बोल रहे हैं, सिरगुंडी भी बोल सकते हैं। रसम जो है वो कांगड़ा जिले में विवाह करते वक्त होती है, जितनी भी हमारी यहाँ की कांगड़ा जिले की जो वो बहुएं आती हैं ना बारात के बाद, मतलब जैसे शादी की बारात हो जाती है तो उसके बाद आती है, तो सिरगुंडी कराते हैं यहाँ पे, यानी कि उसके बाल जो है वो मतलब नाना धोना, उसके बाद जो है सिरगुंदी करवाते हैं, उसमें फिर तेल तूल चढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट आता है नाम खन, ये स्पीति का है, यहाँ पे फसल की कटाई से संबंधित है, ठीक है, किसे? फसल की कटाई से संबंधित है प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया नवीन जी। तलाक, देखिए तलाक ही लिख दिया, तलाक को लाहौल क्षेत्र में उपाच्छा कहा जाता है। देखिए तलाक को क्या कहते हैं, जैसे मैं बंदा बोलता है मैंने तलाक दे दिया जी, आजकल वैसे भी नए लड़के लड़कियां तो उसमें तो बहुत ज्यादा चला कि तलाक दे देंगे, ठीक है। तो उसको अब किन्नौर वाले क्या बोलेंगे, लाहौल वाले सॉरी कुपाच्छा बोलेंगे, कुपाच्छा हो गया भाई, कुपाच्छा, ठीक है। किन्नौर का जो है सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह जो है वो है जेन कांग, ठीक है, किन्नौर में, और जेतांग जो है प्रचलित विवाह है सबसे ज्यादा, ठीक है, बढ़िएगा ध्यान से इसको बताइएगा भी, जेन कांग और जेतांग कुछ भी वर्ड उठा सकते हो, ये कैसे शादियां हैं मुझे जरूर डिस्क्राइब करिएगा कल। बेरोजगार मुड़ा बोलता है मैं आपको कपूछा देता हूँ, मुझको ही कपूछा दे देना यार, मुझसे तो प्यार करो, आपके लिए जागा हूँ, आपके लिए घर में नहीं जाता हूँ, पहले आप ही को पढ़ाता हूँ फिर घर जाता हूँ। हिंदी, हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, आप हिंदी से जुड़े हुए प्यारे बच्चों, आप ये सवाल आएंगे हमारे सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट यहाँ पर लगते हैं, रोजाना 8 बजे क्लास शुरू हो जाती है। तो पहला सवाल हिंदी का, स्वार्थ में निम्न में से कौन सी संधि है? सभी आंसर करिएगा, स्वार्थ में कौन सी संधि है, सभी कमेंट करिएगा, स्वार्थ में कौन सी संधि है? गुण है, यण है, तीर्थ है, या इनमें से कोई नहीं है? सभी आंसर करिएगा, स्वार्थ में कौन सी संधि है, सभी साथ साथ में, स्वार्थ में कौन सी संधि है, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी सोच समझ के आंसर दिया करो, स्वार्थ में कौन सी संधि है? तो करेक्ट आंसर है दीर्घ संधि है प्यारे बच्चों, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अगला सवाल, पुरस्कार में कौन सी संधि है, बताएं पुरस्कार में कौन सी संधि है, जल्दी से जल्दी आंसर करें, और जो वीडियो को पसंद ना आए तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है, कुछ तो कर दो वीडियो को, वीडियो को लाइक तो कर दिया करो भैया। पुरस्कार में कौन सी संधि है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुतों के आंसर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि है, सभी नोट करते रहिएगा, विसर्ग संधि बिल्कुल सही। संजय जी, मधु जी आपका भी सही, चेतन कौशल आपका भी सही, काजल ठाकुर आपका सही, नवीन भंडारी आपका सही, रजनीश राणा आपका सही, हर किसी का सही, प्रियंका ठाकुर आपका सही, अनूप शर्मा जी सी के साथ जा रहे थे, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, कोई बात नहीं, और बेरोजगार मुड़ा तो बिल्कुल रोजगार पाएगा, क्योंकि फिर वो अपना नाम तो ही बदलेगा, बहुत बढ़िया आपका सही आंसर था बेटा। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाएं तो क्या कहते हैं? अभी कमेंट करिएगा, जब दो शब्द समास बनकर बनाकर तीसरा शब्द बना दे, मतलब तो उस विशेषण को क्या कहते हैं? और सबसे आंसर, वंश शर्मा भी आए हैं, सॉरी सर आज लेट हो गए, कोई बात नहीं भैया, पर मैं ये कहूंगा इस क्लास को जो है एक बार फिर से देख लीजिएगा, और सभी बच्चे अगर पीडीएफ लेना होगा ना इस क्लास के बाद, तो ये है हमारा टेलीग्राम,
दिख रहा होगा आपको, मैं गोला लगा रहा हूँ टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम में आपने जुड़ना है बच्चों, और टेलीग्राम पर अभी थोड़ी देर बाद क्लास के बाद इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और जिनको पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो वो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, विजयपत गवर्नमेंट प्रिपरेशन ऐप, वहां पर ये क्लासेस फ्री में मिलने जा रही है। कल से ये फ्री हो जाएंगी आपके लिए सारी की सारी, ठीक है, वहां से देख सकते हो। और कोई दिक्कत आती है तो यहां पर फोन नंबर भी दिया है, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए भी तैयार हूं किसी भी प्रकार की, ठीक है। तो आपने मुझसे बात करनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बहुब्रीही। कोई बात नहीं भैया, सुक्खू सरकार में जो रोजगार मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, क्या करें, बात तो अब कुछ नहीं कर सकते। एक साल तो उनका बीत गया, एक भी नौकरी नहीं निकाली। सुख की सरकार नहीं है ये, दुख की सरकार है। नेक्स्ट आ गया, उपकुल में कौन सा समास है, उपकुल में कौन सा समास है, सभी आंसर करिएगा। सौरभ शर्मा ए ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा ऑप्शन। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी बच्चों एक तो वीडियो को शेयर भी करते रहा करो और साथ में आंसर जरूर देते रहा करो, और फिर अपने ना नंबर लगाया करो कि मेरे जी 8/10 हो गए जी, 10 क्वेश्चन पूछता हूं मैं रोज के, या 10/10 ही हो गए जी मेरे, तो यानी कि गुड हो गया, एक्सीलेंट सेलेक्ट हो गया मुझे, रोजगार पा गया ये भाई, ऐसा नहीं है गल, ठीक है। तो आंसर जरूर करते रहा करो, तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, अव्यय भाव है ये, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रियंका ठाकुर, रजनीश, संजय कुमार, रोजगार मुंडा साठा, और कितने के चेतन कौशल है, और नेचुरल बेब्स हैं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही है। अनु ठाकुर जी आपका भी आंसर सही है, नवीन भंडारी, सिया शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, कौटिल्य का विलोम शब्द बताना है आपने, कौटिल्य का विलोम शब्द बताएं, कौटिल्य का विलोम शब्द बताएं, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिएगा बच्चों, कौटिल्य का विलोम शब्द बताएं, कौटिल्य का विलोम शब्द बताएं, कौटिल्य का विलोम शब्द बताएं, सभी आंसर साथ साथ में कमेंट भी करते रहिएगा। कौटिल्य का विलोम शब्द यानी कि कौटिल्य का विलोम क्या होगा आपके हिसाब से, सभी वीडियो को शेयर कर दो प्यारे बच्चों। तो आंसर है आर्जव, आर्जव जो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही सिया जी, बिल्कुल सही सिया शर्मा का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। तो आंसर है आर्जव, आर्जव जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल, अवाचीन शब्द का विलोम बताएं, अवाचीन शब्द का विलोम बताएं बच्चों, अवाचीन शब्द का विलोम बताएं, अवारचीन शब्द का विलोम बताएं, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा साथ साथ में, अवारचीन का विलोम शब्द बताएं। तो करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन प्राचीन, ए ऑप्शन प्राचीन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अधोलिखित में से एक पर्यायवाची शब्द जो है युगम सही नहीं है, इनमें से कोई एक वर्ड है जो रॉन्ग लिखा है, वो कौन सा है बताएं, कौन सा एक वर्ड है जो रॉन्ग है वो आंसर देना है आपको। जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट करें, और मैं आपको बताऊं तो 13 जनवरी से जो है ना लाहौल में स्नो फेस्टिवल भी शुरू होने वाला है, ठीक है, स्नो फेस्टिवल देखना है तो आप 13 जनवरी तक आप जा सकते हैं और वहां पर जो है ये देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करिएगा, सभी के मेरे ख्याल से आंसर आ गए हैं, जल संधि अम्बुद ए रॉन्ग है और सभी के सभी सही है बच्चों। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है, हवा का पर्यायवाची बताएं, हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है, हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है, सभी कमेंट करिएगा, हवा का पर्यायवाची शब्द, हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है, सभी के आंसर आ रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, नवीन भंडारी बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या है, हवा का पर्यायवाची से कौन सा शब्द है, करेक्ट आंसर क्या होगा वो है अनल, हवा का पर्यायवाची क्या है अनल, डी ऑप्शन जिनका है वो नवीन भंडारी बोले इसमें तो नहीं है, है ना भैया, अनल, अनल जो है वो हवा का पर्यायवाची शब्द है, अनल जो है वो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों, अनल। अगला सवाल, निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा, निरामिष शब्द जो है वो कहां पे उपयोग होगा, अनिकेतन ये सही है आप एक बार चेक कर ले, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि पर्यायवाची नहीं है, तो ये पर्यायवाची नहीं है अनल, नहीं है ये बोला है, इनमें से कौन सा नहीं है इसलिए बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निरामिष शब्द किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा, जो अमिष मांस नहीं खाता, जो मांस और शाक दोनों खाता है, मांस खाता है या शाक खाता है, सभी आंसर कमेंट कर सकते हैं, अपना अपना आंसर साथ साथ में ही कमेंट करते रहिएगा। अच्छा मैं गलत बोल रहा था, हाँ मैंने ये बोला था कि पर्यायवाची है, पर इसमें से बोला था पर्यायवाची शब्द नहीं है, हाँ मैं मान रहा हूँ ये चीज, मैंने सोचा अनल जो है वो पर्यायवाची नहीं है, बोला गलत है, क्वेश्चन नहीं।
क्वेश्चन तो सही था यार, इसका क्या आंसर रहेगा? करेक्ट आंसर है जो अमिष यानी कि मांस नहीं खाता है वो निरामिष होता है, निरामिष होता है जो मांस ना खाए, मांस ना खाने वाला। तो आज मत खाना, आज देख लेना, ऐसे तो शुक्रवार है, खा लेना, खाना नहीं खाना देख लेना। वाक्यांशों के लिए है, अपराध बोध से होने वाली गलानी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, अपराध बोध से होने वाली गलानी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, और करेक्ट आंसर रहेगा वो है आत्म ग्लानी, आत्म ग्लानी यानी कि इतना बिल्कुल सही आंसर। सिया शर्मा का आंसर सही, काजल ठाकुर का आंसर सही, मधु का आंसर सही, प्रियंका ठाकुर का आंसर सही, नेचुरल वाइब्स का आंसर सही, और किसका लो बेरोजगार मुंडा हमारा उसका सही, सभी के आंसर बिल्कुल सही के सही है। बहुत बढ़िया बेटा, नेक्स्ट क्लास आपकी शुरू कर रहा हूँ जो कि हमारी करंट अफेयर से जुड़ी हुई सवालों की क्लास है, स्टार्ट कर रहा हूँ। स्वागत है आपका करंट अफेयर की क्लास में जो कि हमारी विजयपथ गवर्नमेंट प्रिपरेशन ऐप के माध्यम से आप देख रहे हैं और YouTube चैनल पर भी आप देख रहे हैं। पहला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष कैमलेडस का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेड्स? 2024, 2027, 2028 एंड 2030। 2030 करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल हैं ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे कंपिटेटिव के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा 2024, 2024। प्यारे बच्चों 2024 जो है वो इसका सही आंसर होगा, 2024। अगला सवाल, जाने से पहले देखिए, दुनिया भर में लोगों के जीवन, सॉरी जीवन में, जीवन होगा जीचन क्या हो गया, जीवन में कैमलियस के महत्व का उजागर करने के लिए वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कैमलियस वर्ष घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य कैमलियस डस की अप्रयुक्त क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अनुसंधान क्षमता विकास और नवजीवन प्रथाओं को और प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से कैमलियस क्षेत्र को जो है बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज मिला है? इस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का किसको जो है खिताब मिला है, यानी कि ताज मिला है, यानी कि क्राउन मिला है? बच्चों जल्दी से आंसर करिएगा, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, बहुत आंसर आ रहे हैं। करेक्ट आंसर रहेगा आस्था रावल, सी ऑप्शन, आस्था रावल जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, आस्था रावल सी ऑप्शन। तो सौंदर्य प्रतियोगिताओं के लिए जो है अभूतपूर्व क्षण में इस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 के पांचवें सीजन में, क्योंकि पांचवीं बार हुआ है, पहली बार भारत के केंद्र स्तर पर कब्जा कर लिया है, जिसमें फिलीपींस या मलेशिया में कार्यक्रम की मेजबानी की परंपरा टूट गई है। पहले यानी कि फिलीपींस और मलेशिया में ही होता था, पर इस ऐतिहासिक अवसर पर पराकाष्ठ तब हुई जब प्रतिभाशाली अभिनेत्री जो है आस्था रावल को मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का जो है ताज पहनाया गया। यानी कि हर बार जो है फिलीपींस और मलेशिया के ही लोग लेके जाते थे, तो इस बार आप देख सकते हैं इंडिया के नाम आ गया है ये ताज, इंडिया के नाम ये ताज आ चुका है। बच्चों बहुत ही अच्छा, मतलब आपके लिए जो है वो एक सवाल है, तो इस सवाल को जो है वो रोजाना देखिए और रोजाना हमारे साथ बने रहिए। अगला सवाल, मास्टर कार्ड के सहयोग से किस बैंक ने फर्स्ट SWIP क्रेडिट कार्ड अनावरण किया है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बैंक के पेपरों में आ सकता है, तो सभी आंसर करें, कमेंट करें। और सबसे सही आंसर जो दिया है, कहते हैं बेरोजगार हैं पर भैया आप ही रोजगार वाले हैं, देखो बिल्कुल सही आंसर दिया है। और सबसे पहले आंसर दिया है नवीन भंडारी का भी बिल्कुल नहीं, अनिकेतन का बिल्कुल सही है, संजय कुमार का सही आंसर है, अनु ठाकुर का आंसर सही है, मधु जी का आंसर सही है, सिया शर्मा का आंसर सही है, सबका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है भैया, सबका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। यह है मास्टर के सहयोग से जो है IDFC जो है फर्स्ट बैंक ने फर्स्ट SWIP क्रेडिट कार्ड का जो है अनावरण किया है। युवाओं को गतिशील प्रतिमा प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए एक राजनीतिक सॉरी रणनीतिक कदम जो है IDFC फर्स्ट बैंक ने जो है मास्टर कार्ड साझेदारी में डिजाइन किया है, और ये दूसरा युवा क्रेडिट कार्ड बना है, तो इतनी सफलता दी गई है IDFC बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI ने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? अब कौन सा, बहुत बढ़िया ये आता था सर, बहुत बढ़िया है कि क्रिकेटर की सिफारिश की है कि भैया ये वाला क्रिकेटर अच्छा है, बताएं आपके हिसाब से कौन से क्रिकेटर की सिफारिश की है कि इसको अर्जुन अवार्ड देना है। बहुत बढ़िया भैया, बोलते हैं बेरोजगार हैं, विराट कोहली के साथ जा रहे हैं, पर करेक्ट आंसर तो हमारे संजय जी ले गए चंबा, मधु जी का भी बिल्कुल सही आंसर है।
अनिकेतन कपूर का आंसर बिल्कुल सही है, काजल जी का आंसर सही है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी जो है इन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए आगे नॉमिनेट किया गया है। बहुत ही बढ़िया। मैच नहीं देखता सर, मैच देखा करो मेरे भैया, मैच लोगों को करोड़पति बना दे रहा है और आप बात कर रहे हैं मैच नहीं देखता। देखिए भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के ने के तीज गेंदबाज जो है मोहम्मद शमी का नाम जो है अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा गया है। विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था इसलिए इनको जो है दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा 24 विकेट लिए थे अपने टूर्नामेंट में और 7 मैचों में उन्होंने 24 विकेट लिए थे, इसलिए सिफारिश की है कि भैया दे दो इस बेचारे को भी। ठीक है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं ट्रांसपोर्ट के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की हुई है? आपको पता ही है कि कई जो हैं ये जो मंत्री हैं ये सब कुछ करते हैं, इसीलिए बोलता हूँ कि वोट ही मत दो, उनको बोलो कि फ्री का क्या है, आप हमने भी मंत्री बनना है। आपके घर आते हैं तो आप इनको बोलिए मैंने भी मंत्री बनना है, मेरा भाई भी मंत्री बनेगा, वो बताओ कि आप मंत्री कैसे बनाओगे, तो उसकी भी पोस्टें निकलेंगी मेरे भैया, तब आपको मजा आएगा। 2-2.5 लाख रुपये आपकी सैलरी होगी, 5 साल ही काम करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अग्निवीर ही सही, तो नेतावीर भी हो सकते हैं। अगर आपको बात मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा कि अग्निवीर बनना या नेतावीर बनना भी चाहेंगे या बेरोजगार वीर बनना रहना। बेरोजगार तो हम रहते हैं पर नेतावीर बन जाएंगे मेरे साथ, कितने इस बात को शेयर करते हैं या सहमत हैं प्यारे बच्चों, जरूर बताइएगा और वीडियो को भी शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। किस राज्य सरकार ने जो है ये महिलाओं को ये फ्री वाली रेवड़ी दी है? वो है एक ही सरकार है, वो है कौन सी है? वो है तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार ने ये फ्री वाली रेवड़ी दी है, यहां पर मेरे ख्याल से वही है कांग्रेस की ही सरकार है, इसीलिए ये जीत पाए हैं। अभी अगर इलेक्शन होंगे तो आपको हो सकता है कि बिल्कुल ही फ्री कर दें, पूरा हिंदुस्तान में गैस फ्री, खाना पीना फ्री, सब कुछ फ्री, ठीक है, पढ़ाई फ्री, कपड़े फ्री, सब फ्री कर देंगे। ये तेलंगाना सरकार ने राज्य के लिए जो है वो राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और ट्रांसपोर्ट्स के लिए जो है ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त जो है वो बस देने की शुरू की हुई है। ट्रांसजेंडर बिल्कुल सही। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है? डोर स्टेप योजना शुरू की है यानी कि घर घर सब कुछ दे देंगे, बस आप घर से बाहर ही मत निकलो, सब्जी भी दे देंगे, रोटी भी दे देंगे, कपड़े भी दे देंगे और बच्चों की फीस भी दे देंगे, है ना चाहे ट्यूशन की हो चाहे मॉल में घूमने की हो, सब फ्री दे देंगे। बिल्कुल सही आंसर है भैया, बेरोजगार मुंडा बिल्कुल रोजगार पाएगा। पंजाब बिल्कुल सही, भगवंत मान की सरकार है यहाँ पे पंजाब में, ये सब फ्री में दे देंगे, सब कुछ बेच डालेंगे इंडिया का। देखिए भगवंत मान की सरकार है और के द्वारा जो है तुहाडे द्वार, इनकी जो परियोजना का नाम भी बड़ा तगड़ा ढूंढ ढूंढ के रखते हैं, तुहाडे द्वार के तहत योजना में लोगों को जन्म, विवाह, मृत्यु, आय, निवास, जाति, ग्रामीण क्षेत्र, सीमा क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र, पेंशन, बिजली बिलों का भुगतान और भूमि सीमांकन के प्रमाण पत्र, सिर्फ 47 सेवाएं मिलेंगी इसमें आपके दरबार में। बहुत बढ़िया, तुहाडे दरबार। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जल्दी से आंसर करिएगा, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? विराट के साथ आ रहे हैं, रोजगार मुंडा साडा रोजगार पाऊगा, डी ऑप्शन विराट कोहली बिल्कुल सही आंसर है। रजनीश राणा, मधु भंडारी, नवीन, अनिकेतन कपूर, सबके आंसर बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया है। तो ये चैंपियनशिप में जो है टेस्ट वन चैंपियनशिप में इन्होंने रन बनाए थे सबसे ज्यादा, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए हैं ये क्रिकेट टेस्ट मैच। ठीक है जी, भारत के पहले AICT के रूप में किस शहर को विकसित किया जाएगा? AICT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं, कौन सी सिटी AICT बनने जा रही है? उसको थोड़ी दिया अर्जुन लगे तो उसको देने लगे हैं शामी को, विराट कोहली क्या करें, ऐसा ही है। बिल्कुल सही अनिकेतन, बिल्कुल सही। मैं तो वेट कर रहा था कौन आंसर पहले फटाफट देगा। अनिकेतन का कुबूर का आंसर लखनऊ, लखनऊ है नवाबों के शहर, क्या मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में है बोला है, नवाबों का शहर। देखिए मैंने भी कहा था ना, नवाबों का शहर के नाम से मशहूर है लखनऊ और भारत में पहला AICT जो है यहीं पे विकसित किया जा रहा है, नोएडा से ही। नोएडा पहले से ही IT केंद्र के रूप में उभरा हुआ है इसी तर्ज पर, अब लखनऊ जैसे जो टायर टू सेकंड दूसरा चरण शहरों का भी विकास होगा IT हब के लिए, ये के रूप में इसको विकसित करना है भैया अमित शाह के द्वारा। बिल्कुल अमित शाह बहुत बड़ा आदमी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीता है? आइएगा किसने जीता है, कि अमित शाह जी जो सोचते हैं वो बहुत आगे तक की सोच, ये जो सरकार है बीजेपी की ये आगे तक की सोच कर चल रही है, उसमें कई लोग पिस गए हैं बच्चों। करेक्ट आंसर रहेगा है बोथ सी ऑप्शन, दोनों हार्दिक सिंह और सविता पुनिया, बिल्कुल सही आंसर है। सविता पुनिया 2021 और 22 में जीतने वाले के बाद लगातार तीसरी बार FIH महिला
गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, इनको दिया गया है। और भारतीय संरक्षक पूरे 2023 में शानदार फॉर्म में रही हैं और भारत के हार्दिक सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जो है 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी कि खिलाड़ी पुरस्कार से भी नामांकित किया गया है। ये है इसकी डिटेल, बहुत ही बेस्ट है, आप नोट जरूर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर की जो है नए पुल का निर्माण करने की है, क्या आंसर रहेगा इसका, सभी कमेंट करिएगा, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों में शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। सही आंसर रहेगा वो है बिहार सरकार, करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन बिहार, ए ऑप्शन बिहार सही। कैबिनेट ने बिहार के तीर्था और सोनपुर, कौन कौन सी जगह को जोड़ना है, तीर्था और सोनपुर को जोड़ने वाले गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल का निर्माण करने है। इस पुल के नीचे से बड़े पानी के जहाज ही गुजर सकेंगे। इससे सरकार की देश में नदियों के जलमार्ग को बढ़ाने की कल्पना जो है परिकल्पना को भी बढ़ावा मिले। बीजेपी सरकार की, ये थे हमारे करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल आज के लिए थे। अगली क्लास हमारी जो है वो है जनरल साइंस की क्लास प्यारे बच्चों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। संजय जी के 10 में से 9 सवाल बिल्कुल सही थे, बहुत ही बढ़िया आंसर रहे, सभी अपने अपने आंसर जो है वो मैच करें। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो के साथ साथ बने रहें, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो आपकी स्लो होती है तो आप स्किप करने लग पड़ते हैं, स्किप नहीं करना है, आपको बने रहना है, क्लास को लगाना है पूरी की पूरी। अगला सवाल जा रहा हूं, साइंस की क्लास आपकी शुरू हो, साइंस की क्लास के लिए मैं स्क्रीन भी इसलिए अलग अलग स्क्रीनें लेकर आता हूं क्योंकि आप बोर हो जाते हैं एक स्क्रीन को, इसलिए। रोजगार मुड़ा बोला है अभी तो खाना बनाना है, भाई तूने बनाना है, मैं तेरे लिए तो अभी 10 किलोमीटर दूर अपने घर से ही दूर हूं। अब आप सोचो पढ़ाई कितनी जरूरी। ईमन में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, सभी अपना अपना आंसर कमेंट करते रहिएगा, वीडियो को भी शेयर करिएगा अपने दोस्तों में मित्रों में, और रोजाना क्लास लगाने के लिए उनको भी प्रेरित करिएगा कि वो भी हमारे साथ क्लास लगाए। करेक्ट आंसर देख लेते हैं, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन डायमंड, हीरा। हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा एक पारदर्शी रत्न है, रासायनिक रूप से जो है कार्बन का शुद्ध रूप, और हीरा प्रत्येक कार्बन के परमाणु के 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जो है सहसंयोजक जुड़ा होता है, इसलिए एक ठोस होता है और कार्बनिक होता है, और इनके बीच में वंडरवाल फोर्स लगी होती है दोनों के बीच। अगला सवाल 2 नंबर, कौन सा रासायनिक सिद्धांत ये प्रतिपादित करता है कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए शीतल पेय यानी कि ठंडे जल तो पेय में कुछ भी आ सकता है और सोडा बोतलों को उच्चतम दाब पर सील किया जाता है, किस सिद्धांत पर जो है तो सोडे की बोतलें होती हैं या कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को हम क्लोज करते हैं, डाल्टन लॉ के साथ जा रहे हैं। अभी अपना आंसर करें, कमेंट करें, कौन से नियम के अनुसार चलता है ये, सी ऑप्शन के साथ ही जा रहे हैं, सभी को सी ऑप्शन सही लग रही है, देख लेते हैं। पर इसका आंसर जो है वो हेनरी लॉ है, डी ऑप्शन हेनरी लॉ, डी ऑप्शन याद रखिएगा, डी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है बच्चों, डी ऑप्शन हेनरी के सिद्धांत पर प्रतिपादित किया जाता है कि CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए जो है शीतल पेय जल या सोडे की बोतलों को उच्च दाब पर जो है वो सील किया जाता है, हेनरी लॉ है। नेक्स्ट 3रा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काट देनी भाई, मूली थोड़ी है काट सकते हो, ठीक है जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। मधु जी ने कुछ आंखें जैसी बनाकर भेज दी है, बेरोजगार मुंडा सोडियम के साथ जा रहा है, सोडियम को काटा है क्या, सभी सोडियम के साथ ही जा रहे हैं और बिल्कुल सही, बेरोजगार मुंडा हमारा रोजगार पाएगा, मैंने कहा है डी ऑप्शन नेचुरल वाइप्स का भी आंसर बिल्कुल सही मेरे भैया। अगले सवाल को जाने से पहले हम इसकी डिटेल देते हैं, ये एक क्षार धातु है याद रखिएगा, ठीक है बेसिक है, और ये अभिक्रियाशील सफेद और मुलायम धातु होती है, इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और इसकी प्रकृति जो है वो हमें स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंटली नहीं मिलता है, और मुख्यतः जो है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl फॉर्मूला भी याद करने बच्चों अच्छा, और सोडियम कार्बोनेट सोडियम नाइट्रेट सोडियम सल्फेट आदि के रूप में जुड़कर मिलता है, और ये धातु पानी से हल्की होती है। अगला सवाल 4 नंबर, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताएं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताएं, अच्छा इतने इजी नहीं पूछते आजकल भैया, संजय जी ऐसा है इजी भी आते हैं पेपर में, अगर आपके 25 सवाल हैं तो 25 में से 7 से 8 क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, कभी भी कोई भी पेपर उठा लीजिएगा, 7 से 8 क्वेश्चन हमारे इसी लेवल के होंगे, और हमारा लेवल जो है हर दिन चेंज होता रह रहा है, जैसे जैसे आपके पेपर नजदीक आएंगे कॉम्पिटिटिव की अभी घोषणाएं होंगी और हम आपको और इजी से इजी आपको करवाते चले, कोई इशू ही नहीं है, बस हम ये सोचते हैं कि प्रैक्टिस आपकी हो जाए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, एक तो फॉर्मूला याद कर लेना है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के भोज यानी कि खाने बनाने में के लिए यूज करते हैं, इसको हम मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं, अलग अलग नाम से बोलते हैं, और ये मृदु क्षार है और खाने में ऐसे मीठा होता है और वैसे एसिडिक होता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जब हम खाते हैं तो डंकार मारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जिसे जीवाणुरोधी कहा होती है, जीवाणुरोधी यानी कि एंटी बैक्टीरियल बैक्टीरियल जो होती है वो कौन सी है,
जल्दी से आंसर करें, साथ साथ में आंसर करते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, कॉपर। बिल्कुल सही, जिन जिन का बच्चों का आंसर कॉपर है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छह, क्वेश्चन नंबर छह, बिजली के किस से धातु चढ़ाना, देखिएगा बिजली से धातु चढ़ाना यानी कि गैल्वनीकरण करना है, गैल्वनाइजेशन की प्रक्रिया, लोहे पर क्या जम जाता है, गैल्वनाइजेशन जब करते हैं तब क्या चढ़ जाता है लोहे पर, लोहे पर क्या चढ़ जाता है, कॉपर, टिन, जस्ता या एल्यूमिनियम। आंसर क्या रहेगा, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना आंसर जो है वो साथ साथ में करते रहिएगा, वीडियो को भी लास्ट तक शेयर करते रहिए। सी ऑप्शन जिंक, जिंक जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, सिया शर्मा का बिल्कुल सही आंसर, संजय कुमार जी का, अनिकेतन कपूर का, काजल शर्मा का, सिया शर्मा, मधु जी का, बिल्कुल सभी का आंसर सही। गैल्वनाइजेशन जो है बिजली से धातु चढ़ाते हैं किसी को, तो लोहे के ऊपर जस्ते की एक परत चढ़ जाती है, इससे धातुओं यानी कि लोहे के ऊपर क्षरण रुक जाती है, मतलब उसकी कटाव रुक जाता है, और उस उद्देश्य के लिए जो है हम गैल्वनाइजेशन करते हैं, यानी कि जंग से लगाने, जंग ना लगे ना, रस्ट ना लगे, उसके लिए गैल्वनाइजेशन। ठीक है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेल्स के अगर हम उसके बारे में स्टडी करें तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, सभी आंसर करें, ए बी सी डी, सेसोलॉजी के साथ जा रहे हैं, सभी आंसर कर सकते हैं, अपना अपना आंसर साथ साथ में करिएगा, वीडियो को भी अंत तक शेयर कर दीजिएगा, सिर्फ आपके लिए ही स्पेशल क्लास। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, वो है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बहुत ने आंसर दिए हैं, रोजगार मुंडा ही हमारा रोजगार पाएगा, मैंने कहा है, और अनिकेत कपूर सबका आंसर सही है, मधु जी का, काजल की, सिया शर्मा, सभी के आंसर सही हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन थी। अगला आठ नंबर सवाल, अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की है आप सबसे छोटी यूनिट इकाई बताएं, जीन के साथ जा रहे हैं, जीन के साथ जा रहे हैं, सभी आंसर करिएगा, सभी आंसर करिएगा, ऐसे सवाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे आप सबको, भाई तो जीन्स बनाकर भेज देते हैं यार भाई, बड़े खतरनाक हैं बेरोजगार मुड़े। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन जो है वो इसकी सही ऑप्शन है। नौ नंबर सवाल है, ज्यादा समय नहीं कहूंगा मैं आपका, एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र में यानी क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है इनमें से, बताएं आप अपना आंसर दें, ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, गुणसूत्र में क्या प्रेजेंट होता है यानी कि क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है, सी ऑप्शन के साथ बहुत से बचे गए हैं, और बिल्कुल सही आंसर है डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन होता है, क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही आंसर है। मैं सभी को कहूंगा कि वीडियो को इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, विजयपथ पालमपुर के नाम से। अगला सवाल, मनुष्य की किस वंश से संबंधित है, मनुष्य जो है वो किस वंश से संबंधित है, ह्यूमन बिलोंग्स इज विच जीनस, जल्दी से आंसर करें, कोई इशू नहीं संजय जी, कोई इशू नहीं, सभी आंसर करें, मनुष्य किस वंश से संबंधित है, आंसर रहेगा वो है बी ऑप्शन होमो, मनुष्य जो है होमो से संबंधित है, रजनीश राणा का बिल्कुल सही आंसर, नवीन भंडारी का भी बिल्कुल सही आंसर है, सिया शर्मा का आंसर सही है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मनुष्य होमो सेपियंस प्रजाति का है, किसका है, होमो सेपियंस प्रजाति का है, संजय कुमार जी बिल्कुल सही है, होमो सेपियंस जो है आधुनिक मानव के स्तनपाई स्वर्गग्राही प्रधान जंतुओं में से एक प्रजाति है, जिसमें बात करने, सोचने, समझने की क्षमता सर्वाधिक होती, वैज्ञानिक नाम जो है वो होमो सेपियन है क्योंकि मनुष्य का है, ऐसे राणा टिग्रीना किसका है, मेंढक का है, कैनिस फैमिलियर्स यानी कि कुत्ते का है, बॉस इंडिका जो है वो गाय का है, याद रखिएगा वैज्ञानिक नाम जो है कई बार पेपरों में आते हैं और पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को बार बार जो है देना है, देखना है, और बजारे बच्चों क्या करना है, नोट भी करना, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास जो कि सामान्य विज्ञान से जुड़ी हुई सब क्लास थी, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और इस क्लास के लिए आप क्या क्या मतलब और क्या क्या सोचते हैं, ओके ओके, आकाश चौधरी जी आपका भी स्वागत है भैया, धन्यवाद सिया शर्मा, धन्यवाद आपका भी और आपकी तैयारी के लिए भी, मैं यही कहूंगा बेटा, और आप ही से नहीं सिया जी, मैं सभी से ही एक रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे बच्चों कि देखिए एक बात याद रखिए, ये जो क्लासेस चल रही है ये किसके लिए चल रही है, सिर्फ आपके लिए। नंबर दो, रोजाना दिन में तैयारी करो, रात को अपना टेस्ट लगाओ कि भैया मेरा टेस्ट में कितने नंबर अचीव करता हूं, फिर उसके बाद अगले दिन फिर से तैयारी करो, फिर से बैठ टेस्ट में आओ, तो इससे क्या होगा, एक परफेक्ट 10/10 वाली जो क्लास है ना वो बन जानी चाहिए, जिस दिन आपकी ये 10/10 वाली क्लास बनने लग पड़ी ना तो देख लीजिए कि रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा ना बच्चे तब आप मुझे याद करेंगे कि एक सर थे जो आपके लिए रोजाना आपको
याद भी करते थे। किसी को किसी भी प्रकार की नोट्स की जरूरत पड़ रही है, मुझे आप ग्रुप में जुड़िए, मैंने ग्रुप में आपको डाल रहा हूँ, वहां पर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। आप जब मर्जी हो सर, डिनर हो गया आपका, डिनर कहाँ हो गया भैया, मैं बोल रहा हूँ 10 किलोमीटर दूर हूँ घर से, स्पेशल सिर्फ आपके लिए स्टूडियो में बैठा हूँ, वहाँ पे क्लास लगा रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे जो हैं वो कहीं मेरे इंतजार में बैठे होंगे तो मैं क्लास ना छोड़ दूँ। तो मैं रोजाना आपके लिए बच्चे रात 8 बजे क्लास लेने आता हूँ, लाइव डेली आता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ही सही आप अपनी क्लास रोजाना लगाने आइए, मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा, साल भर करवाऊंगा, बस इसी प्रकार से बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पे। और सर टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है विजय पथ पालमपुर, आप सर्च कर सकते हैं विजय पथ पालमपुर। अगर नहीं है तो मैं आप 2 मिनट दीजिए, मैं आपको साथ साथ में ही अपने जो लिंक है इसका उसको शेयर कर देता हूँ आपके साथ, लिंक को शेयर कर देता हूँ अभी ग्रुप में, तो आपको क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा। तो यार वो पता भी नहीं है, कॉपी लिंक क्या है, मुझे कोई इशू नहीं है, कॉपी लिंक पहले सवाल को भी डाल देता हूँ। रोजगार मुड़ा बोल रहा है कि रोजगार के साथ साथ में मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों की हेल्प हो जाए, ये है इसका टेलीग्राम का लिंक, यहाँ से आपको हमारा जो है ये आज की क्लास का पीडीएफ मिलेगा, आज की क्लास का पीडीएफ जो है आपको यहाँ से प्राप्त होगा, टेलीग्राम का ये लिंक मैंने ऊपर डाल दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आई होप कि आपको टेलीग्राम का लिंक मिल गया होगा और यहाँ से आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, रेवोल्यूशन 2020 के लेखक कौन है, ये किताब है इसके लेखक का नाम पूछा गया है, सभी से आंसर करते रहेगा, सिंह आंसर, करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ए ऑप्शन चेतन भगत की ये किताब है, चेतन भगत की किताब है रेवोल्यूशन 2020, 2011 में इन्होंने ये उपन्यास लिखा था, याद रखिए 2011 में ये उपन्यास लिखा है। अगला सवाल, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, सभी कमेंट करिएगा, वीडियो को भी शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा, सभी को अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम से ये ले सकता है, मैंने टेलीग्राम का पिन किया हुआ है, यहां से लीजिए। हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, ए बी सी ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर रहेगा सी, बिल्कुल सही, संस्कृत, संस्कृत बिल्कुल सही आंसर रहेगा बच्चों, संस्कृत सी ऑप्शन है, याद रखिएगा हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, पर हमें तो आती नहीं है, याद ही नहीं रहती क्योंकि वो 9th क्लास के बाद बंद हो जाती है, कहीं की 10th के बाद बंद हो जाती है। उपमहाद्वीप में एक ही ये भाषा है और विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, देवाणी यानी कि सुर भारती भी इसे कहा जाता है जी, और आप जो है ये हमारा पीडीएफ लेके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आगे कर रहा हूँ क्वेश्चन को, भारत की सबसे पुरानी मुद्रा प्रणाली जो है एक आना एक रुपया का कौन सा हिस्सा होता है, देखिए एक आना जो है एक रुपये का कौन सा हिस्सा गिना जाएगा, जल्दी से जल्दी अपना आंसर जो है साथ साथ में कमेंट करिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाती है हमारी, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि बच्चे ने जिसने देखनी हो उसको दिक्कत होती है। देखिए 2022 में ये हुआ है एमटीएस का पेपर, वहां से उठाया है कि इतना पुराना और टफ क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन 16वां भाग होता है, एक रुपये का 16वां भाग, यानी कि ये 1 रुपया है तो उसके 16 भाग कर लो भैया, ठीक है, तो वो एक आना बनेगा, ऐसे एक आना और ऐसे 16 भाग कर लेना भैया, थोड़ा हो जाएंगे, सोच लेना कि एक आना उतने के बराबर है, एक बहुत ही क्या बताएं। संजय जी बोल रहे हैं साफ नहीं दिख रहा, साफ क्यों नहीं दिख रहा भैया, आपने इसको लाइट कर दिया होगा, ये 16वां हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित सरकारी परिसर में 2 मील चौड़ा रास्ता जो वर्तमान में राजपथ है डैश नाम से जाना जाता था, राजपथ को किस नाम से जाना जाता बताएं, राजपथ को किस नाम से जाना जाता था, जल्दी से आंसर साथ साथ में करते करते रहिएगा, साथ साथ में वीडियो को साथ साथ में इस साथ साथ में आंसर जो है अपना करते रहिएगा, राजपथ को पहले किस नाम से जाना जाता था, करेक्ट आंसर रहेगा वो है सी ऑप्शन किंग्सवे, अब राजपथ की जगह भी कर्तव्य पथ बन गया है जी, पहले था ये किंग्सवे 1947 में कहा जाता था ये, और गेटवे ऑफ इंडिया से होते हुए ध्यानचंद स्टेडियम तक जाता है ये रास्ता, याद रखिएगा राष्ट्रपति भवन के विजय चौक से होकर जो है गुजरते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी जानते हैं आप कि किसकी है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है ये किसकी है, देखिए 2019 की शिफ्ट में एसएससी जीडी का सवाल है, क्योंकि हम एसएससी जीडी की भी तैयारी साथ साथ में ही क्वेश्चन डाल रहे हैं, उनके लिए भी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हर बच्चा सिर्फ नौकरी चाहता है, जरूरी नहीं है कि एसएससी में ही जाना है, कहीं पे मिले पुलिस में मिल जाए तो पुलिस में भी चले जाएंगे, यूपी में भी निकले हुए फॉर्म यूपी पुलिस में भी चले जाएंगे, बस हम फॉर्म भरने वाले होने चाहिए। देखिए डोमोसाइल वहां का होना चाहिए यूपी का, क्या आंसर होगा आपका, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में, और 182 मीटर इसकी लंबाई है, जो कि चीन में स्प्रिंग टेंपल बुद्ध से भी ऊंची है, स्प्रिंग टेंपल जो है वो दूसरे नंबर पर आ चुकी है, याद रखिए। नेक्स्ट, लघु गणक यानी कि लॉगरिथम का जो आविष्कार है वो किसने किया था, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, और बताएं आपका क्या आंसर होगा, लघु गणक का आविष्कार किसने किया,
ए बी सी डी चार ऑप्शन हैं। लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर देख लेते हैं, वो है जॉन नेपर। जॉन नेपर ने जो है लघु गणक यानी कि लॉगरिथम का जो है आविष्कार किया था 1614 में, और स्कॉटलैंड के ये निवासी थे याद रखिएगा, और इन्होंने इसका डिस्कवरी की। अगला सवाल, दिसंबर 1984 को भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी तो कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, कौन सी गैस लीक हो गई थी जिससे जो है वो जान गई थी? जल्दी से बताएं, बहुत से लोगों की यहाँ पे जान गई थी। तो 1984 में गैस, अब मान लीजिए आप घर में बैठे हैं और गैस कोई लीक हो जाती है आपके क्षेत्र में, तो अंदर घर में क्या पता लगेगा किस वजह से मर गए, है ना? बाद में पता लगेगा कि भाई वो तो टपक गए थे वहाँ पे। करेक्ट आंसर रहेगा वो है ए बी सी डी। क्या आंसर है? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही, सभी का आंसर सही, मिथाइल आइसोसाइनेट, रजनीश राणा नेचुरल वाइप्स, सबके आंसर सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट। 30 दिसंबर 1984 यानी कि कल की बात कर रहे हैं, कल 30 दिसंबर की बात है। चलो बहुत अच्छा नॉलेज है आपका, यहाँ पर भी यही हमारे भोपाल शहर में मध्य प्रदेश की बात थी, वहां पर हुआ था ये। अगला सवाल, वर्ष 2007 में किस स्मारक को विश्व के 7वें आश्चर्यों में से एक घोषित किया गया है? कौन सा है विश्व आश्चर्यों में घोषित किया गया स्मारक 2007 में इसको घोषणा की गई? संजय जी बोल रहे हैं 2 दिसंबर को हुआ था, 30 दिसंबर को नहीं रजनीश जी, 2 दिसंबर बता रहे हैं। चलो 2 दिसंबर सही, जैसा आप कहें वैसा ही सही है। किसी ने लिखा था यहाँ पे 30 दिसंबर, तो ही मैंने बोला। सिया शर्मा भी 30 दिसंबर बता रहे हैं, देखिए सिया शर्मा ने 30 दिसंबर बताया, बाय मिस्टेक हुआ, उन्होंने डिलीट भी कर दिया इसी के साथ, कोई चक्कर नहीं है, लगभग इसकी के दिसंबर महीना ही था। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए ताजमहल। ताजमहल 2007 में जो है इसको विश्व के 7 नए अजूबों में डाल दिया, बहुत बढ़िया। तो ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 1632 से लेकर 1953 के बीच में हुआ था। ताजमहल 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत या के रूप में मनाया है, और 2007 में ये विश्व के अजूबों में जो है ये घोषणा की गई। और इसके जो वास्तुकार हैं वो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी हैं, याद रखिएगा और डिटेल आप पढ़ते रहिएगा। अगला 9वां सवाल, भारतीय रेलवे के यात्रियों की विभिन्न शिकायतों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा नंबर जो है होगा? हेल्पलाइन नंबर बताना है रेलवे का, हेल्पलाइन नंबर बताना है रेलवे का, इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना है वहां पर। तो जल्दी से आपको बच्चों क्या करना है, आंसर देना है। हेल्पलाइन नंबर होगा वो है बी ऑप्शन 139। क्या आंसर होगा? 139 पर जो है वो किसी भी रेलवे की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? याद रखिएगा, फिर से पूछा नहीं है, कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? प्यारे बच्चों सभी अपना आंसर करते रहिएगा, ए बी सी डी चार ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। आंसर भी बिल्कुल सही, पाली। पाली जो है वो बिल्कुल सही आंसर, बेरोजगार मुंडे ने बिल्कुल सही आंसर दिया, उड़िया के साथ जा रहे थे। संजय कुमार का बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर सभी बच्चों का, बहुत बढ़िया बच्चों। पाली भाषा जो है तेलुगु उड़िया और कन्नड़ भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं, पाली जो है वो प्राचीन भाषा है भारत, ठीक है जी। तो डेली की करंट और इंग्लिश के करंट अफेयर हमारे आप पढ़ सकते हैं, हमारे साथ फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे और टेलीग्राम पर, और किसी भी प्रकार के हेल्पलाइन के लिए जो है विजयपथ एजुकेशन पालमपुर के नंबर पर आप हमें फॉलो करके कॉल कर सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर हमें बताइएगा। सिया शर्मा का बहुत ही अच्छा रिप्लाई कि उनका बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं, इसी प्रकार से मार्क्स की मैं मनोकामना करता हुआ, और आपकी कल के लिए भी तैयारी के लिए भी मैं ये मनोकामना करता कि आपका कल का भी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ विजयपथ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास खत्म होने के बाद जरूर कमेंट करें इस वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद,